हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे। आगे खबरों को सुनने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इंडिया वैप नंबर उन को सब्सक्राइब करें, सदस्य बने जिससे आपको खबर तुरंत पा सके। आज हम बात करेंगे यूट्यूब पर खतरनाक चैलेंज के वीडियो अब नहीं डाले जा सकेंगे। इन वीडियो के कारण कई लोगों की मौत और घायल होने की खबरों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यूट्यूब ने साफ कर दिया है कि जान जोखिम में डालने वाले इन वीडियो के लिए अब कोई जगह नहीं होगी। मालूम हो कि YouTube पर इन दिनों कई खतरनाक चैलेंज भरे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनको खूब पसंद किया जा रहा है। किकी डांस, बर्दा बॉक्स जैसे चैलेंज भरे वीडियो लोगों को भा रहे हैं। ऐसे वीडियो से कई बार तो लोगों के मरने और घायल होने की खबरें तक सामने आ चुकी हैं। यह मांग भी उठी कि इस प्रकार के वीडियो प्रतिबंधित होने चाहिए, लेकिन अभी तक YouTube को इनको रोकने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। पिछले साल अप्रैल में YouTube ने इन पर लगाम करने के प्रयास किए थे, लेकिन इस प्रकार की सामग्री अभी भी सोशल साइट पर मौजूद है। हैरानी की बात यह है कि इन खतरनाक वीडियो को लाखों लोग देखना पसंद कर रहे हैं, शरारत भरे वीडियो को भी जगह नहीं। YouTube ने यह भी कहा है कि वह शरारत भरे वीडियो प्रैंक पर भी रोक लगाएगा जो छोटे बच्चों को भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। यह वीडियो कभी कभी इतने नुकसानदेह होते हैं कि इनकी वजह से बच्चे जीवन भर के लिए मानसिक आघात का शिकार हो जाते हैं। इन वीडियो में ऐसे परिदृश्य शामिल होते हैं जहां एक बच्चे को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है। YouTube ने बताया कि हमारे पास इस प्रकार के वीडियो की पूरी सूची तो नहीं है, लेकिन हम इनके बारे में जानकारी जुटाने में लगे हैं। इन पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। जानलेवा खेलों की पड़ी आदत। मालूम हो कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं और हो रहे हैं जो लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। किकी डांस, साबुन खाने जैसे स्टंट करने सहित कई खतरनाक चैलेंज यूट्यूब पर वायरल हुए। मई में शिकागो में 20 साल की मोनालिसा पेरेज और 22 वर्षीय पेड्रो रुइज यूट्यूब चैनल के लिए जून में एक स्टंट रिकॉर्ड कर रहे थे। इस खतरनाक स्टंट ने मोनालिसा के बॉयफ्रेंड की जान ले ली। इसके कारण मोनालिसा को 6 महीने जेल में गुजारने की सजा हुई। गत वर्ष अमेरिका में एक नामी कंपनी ने अपने साबुन का प्रमोशन करने के लिए एक बहुत ही विचित्र एडवर्टाइजमेंट बनाया था। इसमें बीमारी से पार पाने के लिए साबुन खाते हुए दिखाया गया था। 3 बार नियम तोड़ने पर बंद हो सकता है। चैनल YouTube के मुताबिक अब जो भी चैनल इस प्रकार के प्रैंक और वीडियो को पोस्ट करेगा उसे पहले स्ट्राइक के तहत YouTube उस चैनल के लाइव स्ट्रीमिंग जैसे फीचर को प्रतिबंधित कर देगा। 3 महीने में दूसरा स्ट्राइक आने पर YouTube और अधिक फीचर को प्रतिबंधित करेगा। 90 दिनों के अंदर तीसरा स्ट्राइक आने पर YouTube उस चैनल को हमेशा के लिए बंद कर देगा। बर्ड बॉक्स के बाद सख्ती। मालूम हो कि ब्लू व्हेल गेम YouTube पर खासा लोकप्रिय हुआ था। इस खेल के चक्कर में दुनिया भर में सनसनी फैल गई थी। इसके कारण कई लोग घायल हुए थे और कुछ मौतें भी हुई थी। इसी प्रकार इन दिनों लोग अपनी आंख पर पट्टी बांधकर तरह तरह के स्टंट कर रहे हैं और उसके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। दरअसल नेटफ्लिक्स की एक थ्रिलर सीरीज बर्ड बॉक्स के सीन से प्रेरित होकर लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं। इस सीन में एक महिला अपने बच्चों को रहस्यमयी शक्ति से बचाने के लिए आंखों पर पट्टी बांधती है और हर जोखिम को पार करती है। माना जा रहा है कि YouTube इस वीडियो के बाद ज्यादा ही सचेत हो गया है और उसने सख्ती बरतने की योजना बनाई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और भी इसी प्रकार वीडियो के लिए एक बार फिर आपको याद दिला दे, इस प्रकार की जानकारी या अन्य जानकारी के लिए इंडिया वैप नंबर उन को सब्सक्राइब करें, सदस्य बने जिससे आपको हमारी सारी सूचना मिल सके।